नमस्कार दोस्तों, मैं संजय खाखिल। आज दोस्तों मेरे चैनल संजय मैथ्स एकेडमी में पहले मैंने एसएससी सीजीएल और सारे कंपटीशन एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड हुआ, रीट हुआ, रेलवे हुआ, एनटीपीसी हुआ, सबके लिए मैंने मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया, फिर हिंदी मीडियम से रीजनिंग, हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट पढ़ाए। अब बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं कुछ अलग सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ। तो आज हमारा पहला लेक्चर है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी से रिलेटेड है। सबसे पहले आज हम पहले लेक्चर के अंदर सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन अध्ययन करेंगे कि साइकोलॉजी जो शब्द है, जो मनोविज्ञान शब्द है, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसके जो जनक हैं वो कौन हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये मनोविज्ञान क्यों विचलित हुआ, क्यों प्रचलित हुआ, क्यों मार्केट में आज इसको एक हर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो रीट हो, हर एग्ज़ाम में इसको इन्वॉल्व किया जाता है, हर एग्ज़ाम में इसका एक वेटेज होता है, 20 से 30 नंबर का इसको पूछा जाता है। तो आज हम हर चीज़ के बारे में बारीकी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसी चीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके बारे में आज जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अध्ययन करेंगे कि मनोविज्ञान का महत्व क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में सिर्फ इसकी चर्चा करेंगे, इसके बारे में देखेंगे क्या है, किस तरीके से इसका विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसमें तीन बातें होती हैं जो मेन मेन इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, वो तीन बातें सम्मिलित होती हैं, उन्हीं को लेकर के हमेशा मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो सबसे पहले होता है विद्यार्थी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट, जिसको हम दूसरे तरीके से बोलते हैं अध्येता भी इसको कह सकते हैं, दूसरा होता हमारा शिक्षक होता है, और तीसरा होता हमारा विद्यालय प्रभावशीलता, विद्यालय की प्रभावशीलता कि वो अगर कहीं पर अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी प्रभावशीलता क्या हो सकती है। तो दोस्तों अब हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हम देख लेते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से हम मनोविज्ञान के बारे में विचार रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम मनोविज्ञान की अगर बात कर लें तो मनोविज्ञान के सामान्य तथ्यों को के बारे में जब हम बात करते हैं तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये चीज़ हमारे दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक करता है। तो सबसे पहले हम उसी चीज़ को देख लेते हैं। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से निकल के आया है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, दर्शन शास्त्र से हुई है। अब दर्शन शास्त्र से अगर मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है तो हम इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं कि दर्शन शास्त्र क्या चीज़ है, दर्शन शास्त्र क्या चीज़ होता है। दर्शन शास्त्र के अंदर जो हमारे पास में 5 चीज़ें हैं जिसको हम ज्ञानेंद्रिया बोलते हैं, मुंह, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इन सारी चीज़ों से बनके क्या होता है, ज्ञानेंद्रिया होती हैं, उसी चीज़ से को हम किस में सम्मिलित करते हैं, दर्शन शास्त्र में सम्मिलित करते हैं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर हम आगे जब चलते हैं तो क्या चीज़ होती है, किस तरीके से ये ज्ञानेंद्रियाएँ काम करती हैं, किस तरीके से अतिंद्रियाँ काम करती हैं। जिस ज्ञान की प्राप्ति 5 चीज़ों के द्वारा नहीं होती है, जिस ज्ञान की प्राप्ति हमें मुंह, नाक, कान, जीभ और त्वचा के द्वारा प्राप्त नहीं होती है, उसे हम अतिइंद्रिय ज्ञान कहते हैं, अतिइंद्रिय ज्ञान कहते हैं। और जिन चीज़ों की
प्राप्ति हमें मुंह, नाक, कान, जीभ और त्वचा के द्वारा होती है, उसे हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। सो दर्शन शास्त्र में अध्ययन हम करते हैं जिसमें ज्ञान की प्राप्ति पांच इंद्रियों या पांच चीज़ों से नहीं होती, उसे दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शास्त्र के अंदर उन पांच चीज़ों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, उसको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शास्त्र में किसको सम्मिलित किया गया है, किससे ज्ञान की प्राप्ति होती है? पहला है आत्मा, दूसरा है परमात्मा, और तीसरा है मन। वेस्टर्न फिलोसोफर थे, उन्होंने मनोविज्ञान को किस तरीके से डिफाइन किया है? मनोविज्ञान में जो विज्ञान था वो सबसे पहले एक विज्ञान आया था जिसको नाम दिया गया था आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान जो नाम दिया गया था उसके बारे में हम जान लेते हैं। आत्मा का विज्ञान क्या होता है? जब से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है उसमें हमें समझना जरूरी है कि मानव को किन किन चीजों का ज्ञान होना जरूरी है, मानव को किन किन चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो दर्शन शास्त्री अरस्तु थे, दर्शन शास्त्र के जिसको जनक कहा जाता है, जिसको फादर कहा जाता है, वो कौन थे? अरस्तु थे। अरस्तु ने हमें कहा कि मानव को समझना चाहिए। दर्शन शास्त्र में अरस्तु ने कहा था कि मानव को चीजों को समझना चाहिए के बजाय मानव को समझना चाहिए। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अरस्तु ने दर्शन शास्त्र में कहा था कि चीजों को समझने के बजाय हमें डायरेक्टली मानव को समझना चाहिए हमें। अब इसके शिष्य थे, अरस्तु के कुछ शिष्य थे जो इसके समर्थन में थे, तो पहला था प्लूटो, दूसरा था रुडोल्फ, तीसरा था गोइकिल, ये इसके प्रमुख शिष्य थे। और इसने दर्शन शास्त्र का प्रमुख स्थान किसको माना? आत्मा को माना। आत्मा को दर्शन शास्त्र का प्रमुख स्थान माना। अब एक नया अर्थशास्त्री आया, गेरिट ने साइकोलॉजी शब्द दिया। अब ये जो साइकोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना, एक बना साइकी और दूसरा बना लोगस, जो हम यूनानी शब्द है, इसको हम ग्रीस भी बोल सकते हैं, ग्रीक भी बोल सकते हैं। ये एक यूनानी शब्द है साइकोलॉजी, जिसमें हमने बताया उसने गेरिट ने कि साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। तो उसने बताया कि आत्मा का अध्ययन करना ही दर्शन शास्त्र है। उसके बाद में एक और आया अर्थशास्त्री, रोनाल्ड गाइकिल, जो साइकोलॉजिया एक
ग्रंथ लिखा, उसको 1590 ईस्वी में उसने एक साइकोलॉजी नाम दिया, साइकोलॉजिया से निकाल करके उसने इसको साइकोलॉजी नाम दिया। अब दर्शन शास्त्र मैं बात करूं, दर्शन शास्त्र की मैं बात करूं तो दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी माना जाता है, दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आपको सीधा सीधा बोलना पड़ेगा अरस्तु मनोविज्ञान का जनक है, अरस्तु मनोविज्ञान का जनक है। और मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कौन है, आधुनिक जनक विलियम वोल्ट है, आधुनिक जनक विलियम वोल्ट है, जो 16वीं सदी में आते आते इसी चीज़ को भी अस्वीकार्य कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि विज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है, विज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर मन और मस्तिष्क का विज्ञान होता है, विज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान होता है। ये डेफिनेशन दी किसने? पोम्पोलोजी, जो इटली के रहने वाले थे और उसके समर्थक थे जॉन लोक और रिचेरी, इन्होंने मिलके नई पोम्पोलोजी, इटली के जो जनक थे उन्होंने एक डेफिनेशन दी साइकोलॉजी की, जो हम देख लेते हैं। उन्होंने डेफिनेशन दी, पोम्पोलोजी ने डेफिनेशन दी साइकोलॉजी की, साइकी और लोगस। इसने साइकी का मतलब बताया मन और लोगस का मतलब बताया अध्ययन। जो पहले गिरिट ने बताया था साइकी का मतलब आत्मा और लोगस का मतलब अध्ययन बताया था, मनोविज्ञान में साइकी शब्द का अर्थ आत्मा और मन ही होता है। मनोविज्ञान में साइकी शब्द का अर्थ हमेशा आत्मा और मन ही होता है, इसके दो के अलावा तीसरा कोई शब्द नहीं होता है। पोम्पोलोजी के अनुसार जो हमारे पास पांच इंद्रियां होती हैं, जो हमारे पास पांच इंद्रियां होती हैं, मुंह, नाक, कान, आंख और त्वचा, इन सारी चीज़ों से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो किसको जाता है? डायरेक्ट मस्तिष्क को जाता है, आत्मा को कभी भी वो ज्ञान नहीं जाता है। लेकिन हुआ क्या, 17वीं शताब्दी में इसके भी अस्वीकार्य कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि मन और मस्तिष्क अमूर्त है, मन और मस्तिष्क दोनों क्या थे? अमूर्त हैं, इसलिए इस पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। मन और मस्तिष्क दोनों अमूर्त हैं, इसलिए इन पे प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, जिस प्रकार हम प्रयोग नहीं कर सकते हम विज्ञान नहीं कहते, जिस किसी भी चीज़ का हम प्रयोग नहीं कर सकते, जिस किसी भी चीज़ के हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, उसे हम विज्ञान नहीं कहते हैं। तो जिस चीज़ के बारे में हम प्रयोग करके और उसको प्रमाणित कर सकते हैं, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार मन या मस्तिष्क पर हम प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम मन में क्या सोच रहे हैं, मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ सकता, उसका कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास, इसलिए ये विज्ञान कभी भी नहीं कहलाता है। जिस पर प्रयोग नहीं कर सकते उसको हम विज्ञान कतई एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको विज्ञान की डेफिनेशन हम नहीं दे सकते। तो अब एक नई चीज़ निकल के आई, चेतना, चेतना का विज्ञान। पहला विज्ञान आया था
आत्मा का विज्ञान, दूसरा अब आया चेतना का विज्ञान, जिसको विलियम वोल्ट जो जर्मनी के रहने वाले थे, इसने चेतना का विज्ञान की डेफिनेशन दी, इसने चेतना का विज्ञान बताया। इसके कुछ समर्थक भी थे, विलियम जेम्स जो अमेरिका के थे, इसके शिष्य भी कह सकते हैं। जेम्स सली एक और इसके शिष्य थे, एक वाइस इसके शिष्य थे। इन सब ने मिलके चेतना के विज्ञान की डेफिनेशन दी। और चेतना का विज्ञान जो होता है उसको हम चेतन अवभूति का विज्ञान भी कह सकते हैं, इसको हम चेतन अवभूति का विज्ञान भी कह सकते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं, चेतना यानी कि मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप चेतना कहलाता है। चेतना किस चीज को कहते हैं? मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप चेतना कहलाता है। किस तरीके से कहलाता है? जो हमारे पास में पांच इंद्रियां हैं, इनसे जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसको हमेशा हम क्या बोलते हैं? संवेदना बोलते हैं, और इसको हम चेतना भी बोल सकते हैं। इसको हम संवेदना भी बोल सकते हैं और चेतना भी बोल सकते हैं। तो अब हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान संवेदना और चेतना दोनों कहलाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ में हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए, ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को एक हिस्ट्री बताया इसका, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की आपको परिभाषा, डेफिनेशन किस तरीके से क्या यूज होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सुझाव दीजिए कि आपको क्या और नया अपडेट करना है, क्या आपको चेंज करना है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए, जब तक मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आता हूँ, इसको आप बार बार देखिए। नमस्कार।